guys, how are you all? Welcome to my channel. I'm Sagar and I'm back with some new tips and tricks for you. So guys, कितना time हो गया कि आप सभी के लिए मैं कोई haul video नहीं लाई हूँ. मैं baby care के बहुत सारे video बना रही हूँ, साथ ही Ivan के काफी सारे मैं haul videos बना रही हूँ. लेकिन आज मैं आप सभी के लिए haul video लेके आई हूँ, वो भी Zara का haul. Yes, तो Zara haul पर ये video है. हम सभी का favorite brand है. You know, Zara मेरा favorite brand तीन reasons की वजह से है. First of all, the quality, स्टाइलिंग एंड ऑब्वियसली द प्राइस. लग्जरी की जो फीलिंग है ना, वो पूरी बहुत अमेजिंग प्राइस में आपको मिल जाती है इस ब्रांड में. और मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है रिसेंटली भी Zara से, तो मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ. और स्पेशली लेदर पैंट्स, यू नो आई रियली लव वेयरिंग लेदर पैंट्स, तो मैंने वो भी ऑर्डर किया. और बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें जो मैंने ऑर्डर की है Zara से, जो मैं आपको पूरी वन बाय वन बताने वाली हूँ. ये बॉक्स को ओपन मैंने ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि कोई भी लड़की कंट्रोल नहीं कर सकती कि एक बार उसका शॉपिंग बॉक्स जो भी उसने किया वो रिसीव हो जाए, उसको ओपन करे बिना रह जाए. तो मैंने ओपन तो कर लिया है, तो मैं वन बाय वन आपको शो करूंगी कि क्या क्या मैंने ऑर्डर किया है, क्या क्या मुझे रिसीव हुआ है. ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आप Zara से शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो आपको आपका परफेक्ट साइज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और किसी भी ब्रांड की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको परफेक्ट साइज नहीं पता होगा, तो आपको फिटिंग में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, और ब्रांड के कपड़े पहनने में भी मजा नहीं आएगा. भले ही वो कितना महंगा या सस्ता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. फिटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्पेशल प्राइजेस से आप अगर ऑर्डर करेंगे ना, ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आ जाएगा. बिकॉज डेफिनेटली बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है, और बहुत सारी अमेजिंग चीज है. और एक टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी कि Zara में कुछ भी चीज अगर आप कार्ट में ऐड कर रहे हो, वो होल्ड मत करिए, क्योंकि वो एक घंटे भी नहीं रहने वाली है. क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कई बार मैंने कार्ट में बहुत सारी चीजें ऐड कर ली है, और फिर मैं आराम से चाय पीने लग गई, और मैंने जस्ट हाफ एन आवर बाद मोबाइल ओपन किया और कार्ट चेक किया, तो ऑल वर सोल्ड आउट. बिकॉज यू नो Zara का क्रेज सब गर्ल्स में रहता है, क्योंकि इतनी अच्छी स्टाइल्स है, इतना अच्छा फैब्रिक क्वालिटी, एवरीथिंग इज सो अमेजिंग कि Zara की चीजें बचती नहीं है स्पेशल प्राइजेस में. तो आप बिल्कुल जैसे ही आपको कोई चीज आपकी साइज में अगर लकीली मिल जा रही है, तो प्लीज आप फटाफट कार्ट में ऐड करके उसको ऑर्डर कर ही दीजिए. उसका वेट मत करिए अगर आप 100% श्योर है. अगर आप 50-50 है, तो अगर वो चला भी जाएगा तो आपको इतना गम नहीं होगा. बट अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो इमीडिएटली आप उसको ऑर्डर कर दीजिए. चलिए, ये तो बातें बहुत सारी हो गई है, अब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ मेरी सारी शॉपिंग. लेट्स बिगिन विद Zara हॉल. So here it is. बहुत ज्यादा हैवी है, कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली क्या मैंने? ओके, बट मैं क्या करूँ, जब भी मैं उसकी साइट पे जाती हूँ मुझे कंट्रोल नहीं होता, और जब अनबिलीवेबल प्राइस में कोई चीज मिल जाती है तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता. तो कुछ कुछ ये चीजें स्पेशल प्राइसेस में, और कुछ कुछ मैंने दिल पे पत्थर रखे हैं, ऑन MRP भी लिया है. आप देख सकते हैं कितना हैवी है, बहुत ज्यादा जल ही गिर भी रहा है मेरे हाथ से. तो वन बाय वन मैं आपको सब पहन के दिखाऊंगी, और क्वालिटी बताऊंगी कि क्या रिसीव हुआ है मुझे, और आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया है, तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको क्या सबसे फेवरेट आउटफिट आपको कौन सा लगा. ओके गाइस, सो फर्स्ट इन द लिस्ट है ये लेदर पैंट. आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और मुझे बहुत अच्छा एकदम बॉस बेबी टाइप फील आता है लेदर पैंट पहनकर. तो मेरा तो फेवरेट है लाइक विंटर्स में लेदर पैंट पहनना, टर्टल नेक्स के साथ, जैकेट्स के साथ, बहुत ज्यादा कूल लगते हैं, बहुत अमेजिंग लगते हैं. तो मैंने 2 लेदर पैंट्स जो है वो ऑर्डर किए. मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक और ब्राउन था, तो आई वॉज लुकिंग फॉर सम डिफरेंट कलर्स. तो मैंने एक तो ये ऑर्डर किया है, ये कलर मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा और बहुत अच्छा लगा लेदर में. और साथ ही मेरे पास कुछ लाइट शेड में नहीं था लेदर में, तो मैंने ये वाला कलर है, क्रीमी स्टोन है, ये मैंने ऑर्डर किया है. तो ये 2 लेदर पैंट्स मैंने ऑर्डर किए, जो मैं आपको पूरा भी वेयर करके दिखाऊंगी. और साथ ही टर्टल नेक्स जो है उसकी क्वालिटी Zara की बहुत अमेजिंग होती है, तो ये वाले कलर का मैंने टर्टल नेक ऑर्डर किया है. इट्स रियली रियली वेरी नाइस कलर. सो इसके साथ मैं क्लब करने वाली हूँ लेदर पैंट. आप देखेंगे आपकी कैसा लुक आने वाला है. मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा था जब मैंने ये पहन के, मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ. आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे इसे देखने के लिए, तो लेट्स ट्राई इट. हियर इट इज, सो यू कैन सी दिस अमेजिंग लेदर पैंट. इसकी फिटिंग कितनी अमेजिंग आई है. सो दिस इज इन मीडियम साइज एंड दिस इज ऑल्सो इन मीडियम साइज. तो मुझे मीडियम आता है Zara का, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आता है, मुझे बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती. सो दिस इज सो अमेजिंग. मैं कोई भी नाइट में डिनर पे या इसे कैरी कर सकती हूँ, इसके ऊपर कोई लेदर जैकेट कैरी कर सकती हूँ. दिस लुक इज लाइक 10/10 फॉर मी. विंटर में मैं
इस टाइप के लुक्स कैरी करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। और ये लेदर पैंट्स, इसमें बिल्कुल भी ठंड भी नहीं लगती, ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। सो दिस इज़ माय फर्स्ट लुक। सो गाइज, लेदर पैंट्स आर माई गो टू लुक फॉर विंटर्स, एंड अगर फिटिंग इतनी अच्छी हो तो मज़ा आ जाता है लेदर पैंट पहनने का। एंड मैं ज़ारा को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती हूँ, अगर कोई ब्रांड मुझे अच्छा लगता है इन लेदर पैंट्स तो वो ज़ारा ही है, बिकॉज क्वालिटी, कम्फर्ट, फिट तीनों चीज़ें मुझे इसमें मिल जाती है। गाइज, हियर कम्स माई सेकेंड लुक। तो सेकेंड लुक में सिर्फ मैंने ये लेदर पैंट, जो कि मैंने क्रीम ऑर्डर की थी लेदर पैंट, यू नो क्रीम कलर बहुत ज़्यादा जो है स्टाइलिश लगता है इन लेदर पैंट्स, एंड यू कैन सी कि क्रीम कलर पे कोई भी कलर का टर्टल नेक, कोई कलर की शर्ट, एवरीथिंग गोज़ वेल विथ क्रीम कलर। सो लाइटर शेड में आई वॉज लुकिंग फॉर लेदर पैंट्स, एंड माई सर्च एंड्स एट ज़ारा, एंड यू कैन सी कि मैंने इसे स्टाइल किया है ब्राउन बूट्स के साथ एंड विथ ब्राउन टर्टल नेक, एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड विथ माई लुक। सो थैंक यू सो मच ज़ारा फॉर मेकिंग सो मेनी अमेजिंग clothes for us. Okay guys, so you have seen two outfits. अब मैं आपको बताने वाली हूँ ये tie and dye jeans, जो कि बहुत amazing लगी थी मुझे, एक नज़र में पसंद आ गई थी, और मेरे पास एक भी tie dye jeans थी भी नहीं, तो ये color and everything is so amazing, और इसकी fitting भी बहुत अच्छी आई है मुझे, और साथ ही ये winter के हिसाब से बहुत ही stylish top था। यू नो पफर स्लीव्स जो है वो बहुत आजकल इन है, तो ये टॉप मैं इस जीन्स के साथ ट्राई करने वाली हूँ, और साथ ही आजकल हॉट पिंक कलर, ग्रीन कलर, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, तो नेक्स्ट मैंने फिर ये ऑर्डर किया था। इसमें मैं हॉट पिंक कलर भी ऑर्डर करने वाली हूँ, लेकिन वो इतनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है कि मैं जब तक सोचती हूँ मैं ऑर्डर करूँ मेरा साइज़ मिलता ही नहीं है मुझे, बट ये इस कलर में मुझे अपना साइज़ मिल गया था तो मैंने ये ऑर्डर किया। ये कलर भी बहुत ज़्यादा इन ऑन ट्रेंड में है आजकल। और नेक्स्ट जो है वो है ये स्कर्ट, जो कि आई एम प्लानिंग टू वेयर ऑन न्यू ईयर, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा हॉट है। यू कैन सी दिस डायमंड्स, ये बैक है इसका और ये फ्रंट है, यहाँ पे फ्रंट पे बो बना हुआ है, सो आई कैन ऑल्सो वेयर इट विद दिस ब्लैक टॉप। और इसके साथ एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन में ज़ारा का इस डायमंड्स का टॉप भी था, बट वो आउट ऑफ स्टॉक था तो मुझे मिला नहीं, बट ये स्कर्ट मुझे ज़रूर मिल गई। आपको कैसी लग रही है स्कर्ट? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, तो आइए ये सारे आउटफिट्स ट्राई करके देखते हैं। वैसे आई एम नॉट श्योर कि मैं यही वाला टॉप कैरी करूँगी, दूसरा करूँगी, लेकिन अभी मैं आपको ये स्कर्ट इसी टॉप के साथ कैरी करके बताऊँगी। सो गाइज, हियर कम्स थर्ड आउटफिट, एंड यू कैन सी ये कलर कितना ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है, मेरा तो नाउ अडेज ये फेवरेट कलर बन चुका है, एंड यू कैन सी दिस टॉप इज़ सो स्टाइलिश, एंड स्लीव्स कितने ज़्यादा अमेजिंग है इसके, एकदम पफर स्लीव्स है, सो आई एम लविंग द स्लीव्स एज वेल, एंड द कलर ऑफ दिस पैंट्स एंड द कम्फर्ट, द फिटिंग, यू कैन सी दिस इज मीडियम, स्लीव्स इज सो स्टाइलिश, दिस इज पफर स्लीव्स, ये बहुत इन है आजकल, एंड द एंटायर लुक इज रियली लुकिंग अमेजिंग, एंड आई एम लविंग माई लुक। ये मैं कोई भी पार्टी में इजिली कैरी कर सकती हूँ इस लुक को विंटर में, एंड यू कैन सी द फिट इन एवरीथिंग। सो जब भी हम पैंट्स की बात करते हैं तो हमें लगता है कि एकदम अच्छा परफेक्ट फिट होना चाहिए, जो कि मुझे ज़ारा में मिल गया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है कि मुझे इसमें हॉट पिंक कलर भी मिल जाए मेरे साइज़ में, क्योंकि बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होते हैं इसके पैंट्स। सो आप देख सकते हैं ओवरऑल लुक कितना ज़्यादा क्लासी आया है इसमें। नेक्स्ट इज दिस डेनिम, जो कि मुझे एक नज़र में पसंद आ गई थी तो मैंने ये ले लिया। आई कैन ऑल्सो स्टाइल दिस डेनिम विद टी शर्ट्स, एंड यू कैन सी द फिटिंग, इट्स सो अमेजिंग, बहुत ही अच्छा फिट आया है मुझे इस डेनिम का, एंड बहुत ज़्यादा कूल लग रही है इसकी वाइट टी शर्ट्स के ऊपर भी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगी। आपको कैसी लगी ये डेनिम का फिट, और ये डेनिम मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दिस वॉज लाइक एक्स्ट्रा शॉपिंग फॉर मी, मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी ये। आई थिंक आपको क्या लगता है, छोड़ने वाली चीज़ तो नहीं थी ना ये? इट वॉज रियली लुकिंग अमेजिंग। यू नो किसी भी डेनिम के पैसे तभी वसूल हो जाते हैं जब इसका फिट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाई हूँ इस ज़ारा की डेनिम के फिट के, इट्स लुकिंग टोटली फैबुलस ऑन मी एंड आई एम रियली लविंग इट। सो फाइनली मेरी चॉइस जो है वो बिल्कुल सही रही है। आप क्या कहते हैं, आपको कैसा लगा ये डेनिम का लुक, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
दिस इज सो अमेजिंग. एंड यू नो ये स्कर्ट मैंने एक साइज बड़े में ली थी बिकॉज आई वॉज लिटरली ऑब्सेस्ड विद द स्कर्ट. मुझे एक नज़र में पसंद आ गई थी तो मुझे थोड़ा सा फिट करना पड़ा है बट आई डोंट माइंड बिकॉज ये मुझे पहनने पर इतनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है. एंड यू कैन सी इस टॉप के साथ भी कितनी ज़्यादा हॉट लग रही है. एंड दिस एंटायर लुक इज रियली गोइंग. आई कैन वेयर इट ऑन माई एनिवर्सरी ऑन न्यू ईयर. सो मुझे चूज करना है कि ये आउटफिट मैं कब पहनने वाली हूँ बट मुझे तो मजा आ गया इस आउटफिट में लिटरली. आपका क्या कहना है? वाओ जब मैं डांस करूँगी तो ये इट वॉज लाइक बहुत ज़्यादा हॉट लगेगा ये. सो मैं सोच रही हूँ इसको न्यू ईयर पे पहन लूँ क्योंकि न्यू ईयर पे हम लोग पूरी रात डांस करते हैं राइट. सो व्हाट्स अबाउट द स्कर्ट? हाँ मुझे अपने रिव्यूज ज़रूर बताइए. So, you know, if you're looking for some party wear dresses for your birthday party, for New Year, for anniversary, for anything, then Zara is the place for you. You can get so many options in Zara, like this skirt. So, I'm loving this skirt. Okay, guys. कैसा लग रहा है आपको मेरा हॉल वीडियो? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है मेरे सारे आउटफिट्स आप सभी को दिखाने के लिए. सो अब जो है ये लास्ट सेगमेंट है, इसमें मैं आपको कुछ ड्रेसेस बताने वाली हूँ. तो सबसे पहले ये ड्रेस है जो कि अगेन पफर स्लीव्स की है. इसकी जो प्रिंट थी ये मुझे बहुत पसंद आई थी एंड द कलर, इसकी वजह से मैंने ये ड्रेस ली थी. तो अब हम ये ट्राई करेंगे. देन देयर इज अनदर ड्रेस जिसका कलर, यू नो, रेड इज माय वीकनेस. रेड और ब्लैक मुझे जहाँ भी अच्छा दिखता है आई जस्ट पिक इट. तो एक ये है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग कलर है एंड द स्टाइल इज सो गुड. इसको हम बेल्ट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं. और साथ ही अब है ये डेनिम स्कर्ट. यू नो इस लेंथ की डेनिम स्कर्ट मिलना इज सो डिफिकल्ट. और आप देख सकते हो इसको मैं टू वे भी पहन सकती हूँ, लाइक फ्रंट से यहाँ पर इसको लाइक स्लिट है इसमें, तो आई कैन वेयर इट इन टू वेज. सो इट डिपेंड्स कि मुझे इसे कैसे पहनना है. सो दिस इज सो अमेजिंग एंड वाइट कलर गोज विथ एवरीथिंग. एंड नाउ स्कर्ट पैंट जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. लाइक व्हेन आई वाज इन लंदन, मैं लंदन गई थी जब, तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को स्कर्ट पैंट पहनते हुए देखा था. पहले मुझे थोड़ा फनी लगता था लेकिन फाइनली मैंने भी एक स्कर्ट पैंट ले लिया है. इट लुक्स रियली रियली स्टाइलिश. तो ये भी मैं आपको स्टाइल करके दिखाने वाली हूँ. तो ज़ारा में स्कर्ट पैंट इजीली मिल जाते हैं. इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विद स्कर्ट पैंट्स यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम ज़ारा. तो ब्लैक मैंने लिया है क्योंकि ब्लैक जो होता है वो बहुत सेफ होता है, एक तो सब कलर के साथ जाता है. तो अब ये सारे आउटफिट्स हम ट्राई कर लेते हैं. गाइस सो हियर वी गो. दिस ड्रेस लुक्स स्टनिंग. लाइक आई एम फीलिंग सो हॉट आफ्टर वेयरिंग दिस ड्रेस एंड दिस स्लीव्स. दिस लाइक बहुत बॉस बेब टाइप फील आ रही है मुझे एंड आई एम रियली लव द एंटायर लुक. अभी तो मैंने हेयर मेकअप भी बहुत ज़्यादा नहीं कर रखा बट व्हेन आई वेयर विद प्रॉपर मेकअप हेयर दिस ड्रेस इज लाइक किलिंग इट. सो मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इसकी फिटिंग से एंड द लुक. आपको कैसी लग रही है ड्रेस? जस्ट लेट मी नो. और आपका कौन सा फेवरेट लुक रहा है इस हॉल में ऑल्सो ये भी मुझे आप बताइए. सो ज़ारा इज़ द ब्रांड जो स्लीव्स के साथ बहुत ज़्यादा प्ले करता है लाइक दिस ड्रेस. सो आई एम लविंग द स्लीव्स. इसकी जो स्लीव्स है बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट स्लीव्स है एंड जो इस ड्रेस को बहुत अलग हटके लुक देती है. लाइक आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग लग रही है और कितना अच्छा फिट है इस ड्रेस का. My next look, you can see this white denim skirt. This is looking so hot, like the rugged finish hai iski. And I have done this numerous time. I have used my short dresses as a top. तो आप देख सकते हो कि ये जो ड्रेस है ये एज अ टॉप कितनी अमेजिंग जा रही है विद दिस स्कर्ट. सो आई एम लविंग दिस एंटायर लुक. तो आपको कैसा लग रहा है ये लुक? आपने कभी ट्राई किया है कि आपने ड्रेस को आप एज अ टॉप पहने विद द स्कर्ट विद द पैंट? आई हैव डन इट लाइक न्यूमरस टाइम. मुझे मिक्स एंड मैच करने का तो बहुत शौक है एंड मैं बहुत टाइप्स से अपनी ड्रेसेस को वेयर करती हूँ, समटाइम्स विद द बेल्ट विद द स्कर्ट विद द जीन्स. तो काफ़ी अलग अलग लुक आता है, हर लुक में अलग लगती है ड्रेसेस. सो दिस इज द लुक. You know, I'm a big fan of skirts and I love wearing different kind of skirts. तो ये skirt जो थी ना इसकी fitting और denim skirt specially मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका एकदम rugged finish है तो और fitting भी बहुत अच्छी आई है. तो you can see this skirt is looking fab on the dress.
Okay guys, so this is my next look and you can see this is so comfy and this is so stylish. इस dress का मुझे pattern बहुत ज़्यादा पसंद आया था. The sleeves and this is like giving very amazing vibes. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पहन के. And first of all ये बहुत ज़्यादा comfortable है. The fabric quality is very good and the design is very good. तो इस वजह से मैंने ये dress buy की थी. So you can see I can wear it on Christmas also. बहुत अच्छा लग रहा है ये dress मुझे. I can wear a long coat on this, white coat इसके ऊपर मैं पहन सकती हूँ Christmas पे with the boots. बहुत amazing look आएगा इस dress का. So the reason behind buying this dress is the color, because ये tone red का specially मुझे बहुत पसंद है. And also the pattern of sleeves, design of the dress, everything is perfect for me. So I just bought it and the results are in front of you. आपको कैसे लग रहा है ये dress मुझे बताइए. और please मुझे अपना favorite look ज़रूर बताइएगा comment box में. Okay, so the last and most awaited outfit of this haul. So this is skirt pant और मैंने इसके पहले जो dress carry की थी उसके साथ ही मैं आपको ये wear करके दिखा रही हूँ, because red and black का combination बहुत अच्छा लगता है. And you can see this skirt pant is looking so classy and कितना ज़्यादा amazing लग रहा है इस red के साथ ये. आप इसको like किसी के साथ भी carry कर सकते हैं. आप fitted spaghetti के साथ भी इसे carry करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा ये. बट अभी मैंने आपको जो मैंने रिसेंटली ऑर्डर किए, मैंने अभी आज आपको वही आउटफिट्स बताए हैं, तो मैं इसलिए आपको पहले के आउटफिट्स नहीं बताना चाह रही थी. तो इसलिए मैंने इसी के साथ आपको इसे क्लब करके बताया है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द लुक. सो आई एम द पर्सन हु ऑलवेज लाइक्स टू ट्राई न्यू थिंग्स, और जो भी फैशन में आता है रियली वॉन्टेड टू ट्राई इट. सो ये पैंट स्कर्ट भी उन्हीं में से है. तो पैंट स्कर्ट मैंने लिस्ट में कब से था कि मुझे लेना है, एंड ज़ारा का मिल रहा था तो मैंने बिल्कुल मौका नहीं छोड़ा और मैंने फटाफट से इसे बाय कर लिया. लुक काफ़ी अच्छा है. आई एम टोटली सैटिस्फाई विद माई लुक एंड अच्छी लग रही है मेरे ऊपर. और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए मेरे चैनल पे. एंड डू लेट मी नो कि आप किस तरीके के वीडियोस चाहते हैं मैं बनाऊं. यू नो, जैसा मेरा ऑडियंस चाहेगी वैसे ही वीडियोस मैं बनाऊंगी. कीप शावरिंग योर लव ऑन माय चैनल. नमी सागरिका साइनिंग ऑफ. बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.